So dear students, today we are going to continue with the pattern of biodiversity. And pattern of biodiversity means that there are so many plants and animals which are found on the earth, and this is made the biodiversity, you all know. But this is not uniform throughout the world. You can say ki har jagah par biodiversity ek jaisi hogi, it is not possible. That means it is uneven. So biodiversity areas are very unevenly distributed on the earth. तो देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमिन द पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि कहाँ पर बायोडायवर्सिटी कैसी होगी, कौन बताएगा आपको, ये कैसे पता चलेगी आपको. तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं. तो फर्स्ट थिंग इज द पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, द फर्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू टेक. तो इन जनरली अगर हम बात करें कि किन एरियाज में बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, और व्हाट डू यू मीन बाय बायोडायवर्सिटी, मींस वेयर आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इन द मैक्सिमम, तो वो बनाएंगे उसकी बायोडायवर्सिटी. तो फॉर दैट यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स. आई हैव ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ हेयर, एंड दिस सेंट्रल डिवाइडिंग लाइन इज नोन एज इक्वेटर. यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, बट स्टिल आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट कम्फर्टेबली. एंड दीज लाइन्स, बोथ दीज टू लाइन्स आर, वन इज कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज कॉल्ड टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तो आपको पता है कि इक्वेटर के पास, दैट मींस द पोर्शन विच आई हैव शेडेड इट विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर, यहां पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी जो है वो पाई जाएगी दिस एरिया. ओके, एंड जो ये एरिया है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहां पर मिनिमम होगी. तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का आता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली स्पीशीज डायवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. आप इधर और इधर आप जाएंगे अवे फ्रॉम द इक्वेटर, देन स्पीशीज डायवर्सिटी कम होती जाएगी. स्पीशीज, वेरियस काइंड ऑफ स्पीशीज जो है वो कम मिलेंगे आपको, जितनी की यहां मिल रही है ना उतनी इस साइड पर और इस साइड पर आपको नहीं मिलेंगी. सो फ्यू एक्सेप्शन मे बी देयर, बट अदरवाइज इन जनरल अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ट्रॉपिक्स बेसिकली जो होते हैं, वॉट आर द ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक रीजन, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिनका नाम आपने सुना है, तो दिस इज द ट्रॉपिक एंड दिस रीजन इज नोन एज टेम्परेट रीजन. तो बेसिकली जो ट्रॉपिक्स होते हैं, दैट मीन्स जो लैटिट्यूडनल रेंज है, सपोज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ स्पीशीजेस जो हैं, तो ट्रॉपिक्स कैरी मोर स्पीशीजेस देन द टेम्परेट. दैट मीन्स यहां पर स्पीशीज कम होंगी, चाहे इनको आप टेम्परेट एंड ट्रॉपिक के सेंस में आप बोल सकते हो, या नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर के टर्म्स में भी बोल सकते हो. तो डोंट बी कन्फ्यूज, यू कैन ऑल्सो से दैट एट द पोल्स स्पीशीजेस, और यू कैन से बायोडायवर्सिटी इज लेस. And same time you can also say that tropics carries more species than the temperate or the polar region. इनके मुकाबले कम होगा. अब याद रखना इस डायग्राम से शेडेड कि यहां पर स्पीशीज डायवर्सिटी सबसे ज्यादा है, एज आई टोल्ड यू, दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस डायग्राम टू यू. तो कोलंबिया है सपोज, वो यहां पर कहीं पर सिचुएटेड है कोलंबिया. तो कोलंबिया जो कि अब ये इक्वेटर के पास है ना, तो इट हैज 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, जबकि न्यूयॉर्क जो यहां पे यू हैव टू स्टडी इन योर बुक ऑल्सो, न्यूयॉर्क विच इज प्रेजेंट ऑन 41 डिग्री नॉर्थ एंड वहां पर केवल 105 स्पीशीज हैं. तो आप देखो कितना चेंज हो गया, 1400 से 105 ही रह गई. और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पर है, वहां पर तो केवल 56 स्पीशीज ही रह गई हैं. इन द सेम वे इंडिया जो है, अपने अगर हम लैंड एरिया की बात करें, तो वहां पर इन केस ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में 1200 स्पीशीज हैं, जो कि काफी हैं, दे आर सो मच स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. एंड फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक अ मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स? द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स इज सपोज 100 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज फाउंड इन द यूएसए फॉरेस्ट, एनी गिवन फॉरेस्ट विच इज इन द यूएसए, अगर उसको हम कंपेयर करें विद द फॉरेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द नियर द इक्वेटर, तो वहां पर 1000 स्पीशीज पाई जाएंगी. सपोज 100 स्पीशीज पाई जा रही है यूएस में, ठीक है, किसी फॉरेस्ट में, तो अगर वही आप इक्वेटर के नियर कहीं किसी फॉरेस्ट इंडिया में आप देखो, अगर कंपेयर करो इंडिया में किसी फॉरेस्ट का विच इज प्रेजेंट इन टू द इक्वेटर रीजन, तो वहां पर कितनी स्पीशीज मिलेंगी, उतने ही फॉरेस्ट में जितना यहां पर फॉरेस्ट था, वहां पर 1000 मिलेंगी. तो फर्क किसका पड़ा? बिकॉज दिस रीजन इज नोन एज टेम्परेट रीजन, तो यहां पर 100 है, पर वही इंडिया में सेम रीजन फॉरेस्ट का है, तो वी गेट द 1000 स्पीशीज बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन टू द ट्रॉपिकल रीजन. तो दे आर जस्ट टेलिंग यू कि हाउ मच स्पीशीज यू कैन गेट इन द ट्रॉपिकल रीजन, और यू कैन से नियर द इक्वेटर्स, वो आपको शॉर्ट में बताया है. देन मोर इम्पॉर्टेंट लाइन्स आर गिवन हेयर, दैट इज अबाउट द एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट विच इज प्रेजेंट इन टू द साउथ अमेरिका, आपको याद रखना है. और
what is a special thing about this Amazon forest? The important thing is that the greatest biodiversity on the earth is found here. And इतनी ज़्यादा रिच है कि 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की, 3,000 फिशेज, 1,300 बर्ड्स, 4 to 7 मैमल्स, 4 to 7 एम्फीबियंस, 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन न्यूमरस आप कह लो 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स आर फाउंड देयर. और अभी तो देयर आर मोर मिलियन स्पीशीज विच अवर साइंटिस्ट कैनॉट फाइंड टिल टू डेट. तो अभी उनकी तो डिस्कवरी होनी बाकी है. तो उसके अलावा आपको देख रहे हो कि इतनी स्पीशीज आप हैं, दैट मीन्स कि इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की. तो वॉट आर द रीजन्स, इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉट आर द वेरियस रीजन दैट, बिकॉज देखो हियर इट इज गिवन इन इटैलिसाइज, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच आस्क इन द बोर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली. तो इन्हीं में से जो ये क्वेश्चन टाइप की चीजें दी होती है, यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो. तो आपको यहां से ध्यान रखना है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. वो आपसे पूछ सकते हैं कि वॉट इज अ वाइट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मोर बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स, कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सिंपल लाइन यहीं से उठा लेंगे कि वॉट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिकल दैट माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, एक्सप्लेन द सेंटेंस, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है. तो देयर आर फ्यू रीजन्स, इट इज वेरी इजी एंड दे टोल्ड यू दैट इवोल्यूशनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, उनकी बहुत सारी हाइपोथेसिस थी, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड है दैट इज देयर आर थ्री रीजन्स. वन इज आई हैव जस्ट गिवन इज इम्पॉर्टेंट, that is speciation. What do you mean by speciation? Speciation means formation of a species, and formation of a species you can't help in it, है ना. आप कुछ नहीं कर सकते speciation होने में, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना कोई दुनिया का कुछ कर सकता है. only it needs the time. जैसे आप कहते हो ना कि कोई दुख कोई सुख कुछ, मतलब नहीं सुख तो नहीं, आप कभी बात करते हो किसी दुख की किसी तकलीफ की, तो आप कई बार आप कंसोल करते हो लेकिन कुछ नहीं होता. it needs a time. after sometimes वो जो इफेक्ट है आपके माइंड से वो हट जाता है ग्रेजुअली. द सेम वे स्पेसिएशन इज द लाइक दैट ओनली, हम और आप कुछ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ इयर्स पहले वन जस्ट इवोल्यूशन स्टार्टेड, तो उस समय बायोडाइवर्सिटी बनाने के लिए मैं या आप नहीं गए थे. ग्रेजुअली टाइम मिला, अनडिस्टर्ब टाइम मिला, एंड बहुत सारे प्लांट्स एनिमल बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज बन गए. तो स्पेसिएशन ओनली नीड्स द टाइम. इफ यू गिव दैट टाइम, स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो है वो अपने आप बन जाती हैं. तो दिस इज द मेन थिंग. तो दे टोल्ड दैट टेम्परेट रीजन और जो ट्रॉपिक रीजन है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन टू. अगेन इफ यू फॉरगेट, दिस इज द टेम्परेट रीजन हियर नियर द पोल्स एंड दिस इज अ ट्रॉपिकल रीजन. सो वॉट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज टू रीजन, द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दीज टू रीजन इज दैट टेम्परेट रीजन हैज द फ्लैक्चुएटिंग एनवायरमेंट. वहां पर सर्दी गर्मी बारिश यू नेवर नो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू प्रिपेयरिंग फॉर फाइटिंग विद द ड्रॉट कंडीशन, है ना, सूखा पड़ने वाला, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर लो, यू आर प्रिपेयर फॉर दैट ओनली. लेकिन सडनली वो क्या हुआ कि सूखा तो पड़ा नहीं, ग्लेशियर्स आ गए, तो यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. तो अगर उसके लिए ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं है तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसने तो इतने दिनों से प्रैक्टिस किसकी की थी, सूखे से बचने के लिए. पर आ तो यहाँ पे बाढ़ गई या बारिश गई या ग्लेशिएशन हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो टेम्परेट जो एनवायरनमेंट है दैट इज फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट, वो बदलता रहता है और इट इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल, पता भी नहीं चलता है कब क्या हो जाएगा. सूखा की हम तैयारी कर रहे थे, पता चला वहां पे बाढ़ आ गई है ना, ये बर्फ पड़ गई है, तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल. तो अनप्रेडिक्टेबल जब होता है कोई भी चीज, तो वहां पर स्पेसिएशन होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दे आर एवर चेंजिंग, वो चेंज होते रहते हैं बार बार. तो वहां पर कोई एक टाइम की प्लांट या एनिमल सर्वाइव करने की सोचता है और वो एकदम से चेंज हो गया, देन वो खत्म हो जाता है प्लांट और एनिमल, है ना, फिनिश हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि किसमें नहीं है, ट्रॉपिक्स में नहीं है, बिकॉज ट्रॉपिक्स आर अनडिस्टर्ब बहुत टाइम तक रहे. एंड वेन दे आर अनडिस्टर्ब प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट दैट टाइम पीरियड टू ग्रो एंड फ्लरिश. तो उनको टाइम मिलता है वहां पर ग्रो करने का, फ्लरिश करने का, ना. अगर वो कीप ऑन चेंजिंग होती रहेंगे एनवायरमेंट, तो फिर वो कैसे फ्लरिश करेगा, कैसे वो चेंज करेगा. तो इसलिए वो एक बहुत प्रॉब्लम आती है अगर इस तरह की कोई चीज होती है एनवायरमेंट के अंदर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर. बहुत अच्छी चीज यही हो गई कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर अनडिस्टर्ब, तो दे प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ टाइम सो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन ग्रो देयर. So this is the second point. Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal. है ना, tropics के ये एक अच्छी बात हो गई कि they are less seasonal, means seasons का बहुत ज़्यादा change नहीं होता है. And they are relatively constant and predictable. मतलब एक से ही रहते हैं. Predictable means आपको पता होता है कि अब कौन सा weather या कौन सी environmental changes होने वाले हैं, so that you can prepare for that. Such a constant environment promotes niche specialization. What is the meaning of niche specialization? Means if everything is fixed,
तो नीश स्पेशलाइजेशन मीन्स ईच एंड एवरी स्पीशीज हैज दैट फंक्शनल रोल. एंड वॉट डू मीन बाई फंक्शनल रोल? जैसे सपोज अब ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर जस्ट रोल दैट वी हैव टू ईट समथिंग. हमें खाने का रोल बना. हर्बीवोर्स हैव टू ईट ग्रास. वो कार्निवोर्स हैव द फंक्शन ऑफ टू ईट एनिमल्स. तो दे हैव दैट फंक्शनल रोल. तो इन्वायरमेंट जब कॉन्स्टेंट है, सब आराम से चल रहा है, तो दे हैव दैट फंक्शनल रोल, दैट इज कॉल्ड नीश. तो नीश तभी स्टेब्लिश होगी जब एक इन्वायरमेंट या कम्युनिटी बहुत समय तक यूनिफॉर्म रहे ना, वहाँ पर डिस्टर्बेंसेज ना क्रिएट हों, एनिमल्स को जिंदा रहने का, जनरेशन्स को उनके आने का मौका तो मिले एटलीस्ट. अगर फिनिश ही हो जाते एक जनरेशन के बाद, दूसरे जनरेशन में बाढ़ आ गई, कभी पानी आ गया, कभी ग्लेशियर्स आ गए, तो स्पीशीज को वहाँ पर स्टेबलाइज होने का मौका ही नहीं मिलता है. एंड नेक्स्ट इज एंड सी वन इज देयर इज अ मोर सोलर एनर्जी. आपको पता है कि जो इक्वेटर रीजन्स हैं वहाँ पर सन रेडिएशन बहुत स्क्रॉचिंग सन होता है, बहुत है ना, हीट बहुत होती है. तो जब सोलर रेडिएशन इज मैक्सिमम, यू नो दैट फोटोसिंथेसिस विल बी ऑल्सो मैक्सिमम. एंड वेन फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम, दैट मीन्स कि प्लेंटी ऑफ फूड इज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड दे कैन हार्बर द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीशीज. वो कहते हैं भाई बहुत है खाने को हमारे पास, आ जाओ जिनको जिनको आना है. तो दे कैन कैरी, है ना, कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं अर्थ की, वो कैरी कर सकते हैं. तो दीज आर द वेरी गुड कंडीशन फॉर द प्रोड्यूसर, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स. तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है. वो किसी भी एनिमल, कितने भी लोग आए, वो उनको फीड कर सकते हैं. तो दैट्स वाई दे बेसिकली दे आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. तो दीज आर द थिंग्स, फ्यू थिंग्स आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.